this is Bach combination, which is made up of seven groups. आप सेवन ग्रुप्स के हिसाब से भी पढ़ सकते हो या आप पूरा ही इकट्ठा पढ़ सकते हो, इट्स अप टू यू. सेवन ग्रुप्स में क्या क्या आता है? अनसर्टेनिटी, जब हम कंफ्यूज हो जाते हैं, ओवर सेंसिटिविटी, जैसे किसी के घर पे जाते हो तो नींद नहीं आती, हाँ किसी को देखते हो तो आप कुछ और बन जाते हो, या आप चार लोगों से पूछते हो आपको समझ में नहीं आता कि भाई क्या करना है, फियर, डर, अलग अलग तरीके का फियर, या ओवर केयर किसी के लिए, या लोनलीनेस हो जाता है आपको, इनसफिशियंट इंटरेस्ट हो जाती है, आपको समझ में नहीं आता है कि भाई कैसे करना है. ओके, बाक फ्लावर को कैसे ले सकते हैं? जैसे मैंने ये दिखाया आपको, इसका कॉम्बिनेशन बना के डाल के ले सकते हो, या होम्योपैथी पिल लेके आप अपनी शीशे में डाल के फिर उसमें कॉम्बिनेशन डाल सकते हो और फिल्टर हो जाता है. ओके, और वो बहुत चलता है वो वाला भी. राइट डोसेज क्या है? राइट डोसेज मींस सी एटलीस्ट एक केस में आप सेवन फ्लावर्स चुन सकते हो, उससे ज्यादा नहीं चुन सकते, कोई भी सिचुएशन हो. ठीक है, वी विल, यू कांट चूज मोर देन सेवन. जैसे मैंने बोला आपको कि हेडेक हो रहा है, हेडेक इज अ वेरी कॉमन सिनेरियो, बट वो हेडेक किसके वजह से हो रहा है? क्या आपने आज किसी से लड़ाई किया इस वजह से हो रहा है, या आपके बॉस ने गुस्सा किया इस वजह से हो रहा है, या आपने ज्यादा टीवी देख लिया इससे हो रहा है, या आपने कोई स्ट्रेस लिया बहुत ज्यादा इससे हो रहा है, या आपने टीवी में इतना सारा न्यूज देख लिया कि आपको स्ट्रेस हो रहा है? आई मीन देर आर सो मेनी थिंग्स टू इट, एक सर दर्द के लिए है ना. तो ऐसे ही हम हर एक केस के लेयर बाय लेयर जाके इसको हील करते हैं. नाउ लेट्स स्टार्ट द फ्लावर्स. फर्स्ट फ्लावर इज, आई विल रिपीट इट, द फियर. फियर कहाँ से आता है हमें? फियर कम्स फ्रॉम अमिग्डाला, जिसको एक छोटा सा ग्लैंड बोल लो उसको, वो है, वहां से फियर हमारा उत्पत्ति होता है. ओके, उसके बाद क्या करते हैं, जब जैसा फियर आता है वैसा हमारा रिएक्शन होता है. अकॉर्डिंग टू बाक, फियर कैन बी ऑफ एस्पिन. एस्पिन फियर क्या है? व्हाट इज एस्पिन फियर? एस्पिन इज अ फ्लावर विच गिव्स यू साइकिक पावर. साइकिक पावर जब आता है तो कैसा होता है? इट्स नॉट दैट एवरीबडी कैन हैंडल द साइकिक पावर, राइट? सडनली आपको क्लेवॉइंट बनने की व्हाट डू यू कॉल क्षमता आ गई. व्हाट इज क्लेवॉइंट? आप सब चीज को देख सकते हो, आप मेरी ऑरा को देख सकते हो, किसी के भी ऑरा को देख सकते हो, ये पूरे रूम में क्या क्या एंटिटीज घूम रही है सबको देख सकते हो. तो कैसा हो जाता है? सडनली इट बिकम्स ओवरवेलमिंग. ओवरवेलमिंग मतलब सडनली आपको समझ में नहीं आता कि कैसे करना है, क्या रिएक्शन देना है. सो एट दैट पीरियड एस्पिन हेल्प्स. एनी काइंड ऑफ फियर विच यू कांट एक्सप्रेस. कुछ बच्चे बोलते हैं ना, मम्मा उधर कोई खड़ा है मुझे देख रहा है, पर जब आप देखते हो तो आपको समझ में नहीं आता, आप बोलते हो कि अभी तो कोई नहीं देख रहा है इधर, बट उस बच्चे को पता होता है कि कोई है. सो दैट, वो बच्चा एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा कौन है. सो दैट काइंड ऑफ फियर इज एस्पिन फियर. एंड एस्पिन बहुत सारी चीजों में हेल्प करता है. इफ यू आर फीलिंग लोनली, जैसे कोरोना में बहुत लोगों ने लोनली फील किया, ठीक है, दिस इज फ्लावर नंबर वन विच इज एस्पिन. एस्पिन के सामने लिख लीजिए अननोन फियर. जस्ट वन वर्ड इज अननोन फियर. पता नहीं क्यों फियर हो रहा है, बट मेरे को फियर हो रहा है. नेक्स्ट मिमिलिस. मिमिलिस इज माई ओन फियर. वॉट इज माई फियर? माई फियर मतलब मेरा पर्सनल फियर. मेरे को फ्लाइट में जाने में डर लगता है, मेरे को पानी में जाने में डर लगता है, मुझे स्टेज में खड़े होके बात करने में डर लगता है, मेरे को ऐसे क्लास लेने में डर लगता है,
मेरे को लोगों के सामने बोलने में डर लग, सो इट्स इट्स माय पर्सनल फियर, ओके, स्पेशली जब आपको पता है कि यू आर कैरिंग ज्वेलरी, जब आप किसी शादी में जा रहे हो, आपने पैकिंग कर ली कि भाई ज्वेलरी तो डालना ही डालना है क्योंकि शादी है और ट्रैवलिंग भी करना है, तो आप मिमिलिस लेके जा सकते हो अपने साथ, मतलब आप एज अ मेडिसिन भी डाल सकते हो ताकि वो चोरी ना हो। अगर आपको पता है कि डोरी डिमांड करेंगे लोग, तो आप ये कॉम्बिनेशन मिमिलिस चिकरी होली, ये तीन फ्लावर का कॉम्बिनेशन आप ले सकते हो ताकि कोई डोरी ना डिमांड करे। चाइल्ड अब्यूज, रेप विक्टिम्स, या यू नो ऑल दिस ईव टीसिंग, जो जिसको देख के हमें डर लगता है, एक पर्सनल फियर होगा। कभी आपने प्रॉपर्टी सेल के लिए बात करने जाना और आपको डर लग रहा है कि मैं यू नो मेरे मुंह से कुछ गलत ना निकल जाए, एनी काइंड ऑफ फियर विच यू हैव इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन, दैट इज मिमिलिस। बहुत लोगों को डॉक्टर से डर लगता है, तो डॉक्टर के पास पर जाना है, ऐसा सिचुएशन आ जाए तो टेक मिमिलिस एंड देन गो, ताकि आपको डर ना लगे। ये एंजाइटी से बहुत बचाता है, लिटरली बहुत बचाता है ये एंजाइटी से। एंड फियर ऑफ डेथ, बहुत ऐसे पेशेंट्स हैं जो बेचारे दे आर देयर टू सर्वाइव, रहना ही पड़ रहा है, पर उनको मौत से डर, सबको डर लगता है मौत से, राइट? तो गिव मिमिलिस सो दैट वो जो प्रोसेस है वो ईज हो जाए। नेक्स्ट, चेरी प्लम। चेरी प्लम इज अ ब्यूटिफुल फ्लावर। अगेन, जब सडनली कोई लॉस हो जाता है और जब आप चीजों को उठा के फेंकने लग जाते हो, ये जो फियर है ये अनकंट्रोलेबल फियर है, जो फिजिकल अटैक करते हैं, ओके, यू कैन से फिजिकल अटैक फियर। सी, फिजिकल अटैक एंगर से भी आ सकता है ना, कोई और इमोशन भी हो सकता है, बट इज दिस बिकॉज ऑफ फियर कि वो डर रहा है इसलिए ये काम कर रहा है, वो हमें देखना पड़ेगा। वो कैसे देखोगे, वही पूरा क्लास है, क्योंकि इसमें टेस्ट भी लिया जाएगा आप लोगों का, ओके। दिस इज लिटरली यू लूज योर टेम्पर। अच्छा, इसका पॉजिटिव साइड क्या है चेरी प्लम का? आपकी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ बढ़ती है जब चेरी प्लम कोई लेता है। व्हाट इज स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ? मेडिटेशन कर रहा हूं तो स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ होती है? यस, होती है, बट वो एनर्जी लीक ना हो आपका, जो आपने मेडिटेशन किया उसके लिए यू कैन टेक चेरी प्लम, ठीक है। सपोजिंग इतना वो होता है ना, जो लिफ्ट में नहीं जाता उसको क्लॉस्ट्रोफोबिक, बिल्कुल गला ऐसे हो जाता है, दैट इज बिकॉज ऑफ फियर, बिल्कुल इधर ऐसा लगता कोई घोट रहा हो, उसके लिए चेरी प्लम। लूज मोशंस होना बहुत सारा, सडनली फियर, या कॉन्स्टिपेशन हो जाना, सेक्सुअल मैनियक, ओके, चेरी प्लम। रेड चेस्टनट इज फॉर दोस पीपल जो अपने फैमिली के लिए बहुत वरी करते हैं, बहुत डरते हैं, बच्चा बाहर नहीं जाएगा क्योंकि उस मम्मी को डर लगता है, बच्चे को नहीं डर लगता, मम्मी को डर लगता है, बिकॉज मम्मी इज वेरी एंशियस अबाउट द चिल्ड्रन, ओके। तो उनके लिए मम्मी को लेना पड़ेगा रेड चेस्टनट, जो भी अपने फैमिली से बहुत अटैच्ड है, डर के वजह से अटैच्ड है, दोस पीपल विल टेक रेड चेस्टनट, ठीक है। रेड चेस्टनट पीपल आर वेरी वेरी कैरिंग एंड कंपैशनेट, बट वो ज्यादा कैरिंग है, ज्यादा कंपैशनेट है, जो फियर में बदल जाता है। रेड चेस्टनट को आप वॉलनट के साथ लेके पी सकते हो ताकि आपका ऑरा शील्ड हो जाए, ठीक है। अगर सब हीलर है तो कट, कॉर्ड कटिंग के लिए भी ये बहुत फायदेमंद है।
So each flower has its own spiritual growth also. Rock rose is itna dar ki wo behoshi ho jata hai. It's a height of fear ki wo consciousness mein nahi rehta hai. Nervous breakdown. And traveling, wahi panic attack. The word is panic attack actually. That is rock rose.